अस्सलाम वालेकुम जी, एस एम मास्टर मोबाइल के चैनल से मैं हूं अदील अहमद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपके टेलनोर की सिम के ऊपर पकोड़ का प्रॉब्लम आता है, को आपकी सिम ब्लॉक हो जाती है, पक ब्लॉक लिखा हो रहा है या इंटर पकोड़ लिखा आ रहा है, तो उसका मैं आपके सामने हल करके बताऊँगा। ये देखिए, आपके सामने मेरे पास एक टेलनोर की सिम है, इसको पकोड़ लगा हुआ है। जैसे मैं आपके सामने एक कोड बताऊँगा, आपको आपके सामने डायल भी करूँगा और ये कोड इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं लगा दूंगा कि आप उधर से उठाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, आपके सामने आपकी अगर जिस सिम को पाकोड लगा, उस सिम का आपको ना नंबर याद होना चाहिए। तो आपने किसी और नंबर से डायल करना है, एक कोड मैं आपके सामने डायल कर रहा हूँ, *710#। इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने ये कुछ ही मेन्यू खुलेगा। ये देखिए, ये वन नंबर पे है, पिन पक एंड पिन और नंबर स्टेटस नंबर ब्लॉक। तो आपने यहाँ से कोई भी आपने कुछ भी कर सकते हैं। स्मार्ट शेयर की ऑप्शन है और उसके बाद पक और पिन और उसके बाद नंबर अनब्लॉक ब्लॉक, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपने करना क्या, आपने पिन और पक को ओपन करना है। ये देखिए, आपने रिप्लाई वन करना है। उसके बाद ये देखिए, आपको कह रहा है कि नंबर दर्ज करें जिस नंबर पे के ऊपर पकोड़ लगा है। तो यहाँ पे आपने कोई भी जो नंबर के ऊपर पकोड़ लगा है ना, वो नंबर यहाँ पे डायल करना है। मैं जैसे ये नंबर डायल कर देता हूँ, ये कोई भी नंबर है, और उसके बाद आपने इसको सेंड करना है। ये देखिए, मौजूद कस्टमर आपकी दरख्वास्त पे अमल किया जा रहा है, ये देखिए। और उसके बाद जो आपके पकोड़ होगा ना, वो मैसेज के ज़रिए आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये कंपनी वालों ने मैसेज कर दिया है कि आपका पकोड़ ये है। ये देखिए पकोड़, ये आप जब इंटर पकोड़ की जगह पे आप डायल करोगे तो आपका इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। और उसके बाद पिन कोड मांगेगा, वो आपने 40 डायल करना है, और उसके बाद फिर कन्फर्म 40 डायल करने के बाद आपका मसला हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।